वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है, आज बहस ये हो रही है कि अखिलेश के लिए जिन्ना महान, क्या मुस्लिम वोट है अरमान, और क्या जो देश के नायक है उनकी खलनायक के साथ तुलना कितनी जायज, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित अहमद रंगोली साहब समाजवादी पार्टी से हैं। इसके पहले, ब्रेक से पहले हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के बयान पर कायम है और अक्षरशः वो मानते हैं कि जिन्ना साहब महान है। तो मैं मोहित साहब के पास ही जाना चाहूंगा। मोहित साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन्ना महान है, कैसे महान है? देश की जनता को आप बता सकते हैं कि क्यों महान है वो? देखिए साहब, मैं आपसे सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं जी। जहां तक सवाल बीजेपी का है, वो तिल का ताड़ बनाने में माहिर है जी। हम लोग जो बातें करते हैं वो लॉजिकल बातें होती है और वो सामाजिक बातें होती हैं जी। इनकी आदत पड़ चुकी है, ये राय को पहाड़ बनाने की आदत है इनकी। ये तूल पकड़ा करके बात को किसी दूसरे मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। इनके का जो विकास से मतलब है ना, इनको क्राइम लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। ये अपनी वाली करते हैं, किसी की सुनने वाले नहीं है। इनके आप कितना भी हाथ फोड़ कर रोते रहो, इन किसी की सुनने वाले नहीं है ये। आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश पूरा त्राहिमान मचा हुआ है, त्राह त्राह कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन्ना महान कैसे, इस सवाल का जवाब दीजिए। वो उस पर हम चर्चा कर लेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे। जिन्ना महान कैसे, देश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये समझना चाहती है उत्तर प्रदेश की भी जनता कि जिन्ना महान कैसे हो गया। इस बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सारी चीजों के जानकार हैं और उन्होंने इस मामले में जो भी बयान अपना दिया है, मैं उनके बयान से, उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो आप सहमत है, वो अखिलेश यादव ने बयान दिया बिल्कुल सहमत, लेकिन क्यों? आपको भी तो कुछ मतलब जिन्ना के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, अखिलेश साहब ने बताया होगा कि क्यों महान है वो, जरा देश की जनता को बता दीजिए ताकि समझ में आए कि जिन्ना क्यों महान है। मैंने आपसे क्षमा चाहते हुए, मैं चाहता हूं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस बारे में मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। जितनी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उसी को एक्सेप्ट करते हुए वहीं तक रहना चाहता। चलिए चलिए, मैं मानवेंद्र कुमार जी हमारे साथ इतिहासकार है, आप तो बताने में उन्हीं से समझ लेता हूं क्योंकि इतिहास के वो जानकार है, वही बता पाएंगे। मानवेंद्र जी, समझाएंगे हमें कि अखिलेश यादव जी के लिए जो जिन्ना महान है, वो महानता वाली बात क्या है, उनमें से क्या दिख गया अखिलेश जी को? मानवेंद्र जी, मानवेंद्र जी की शायद आवाज नहीं मिल रही है। मानवेंद्र जी, मैं माफी के साथ आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी समस्या हो रही है। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं मानवेंद्र जी आपके पास। त्रिपाठी जी बोलिए। भाजपा के मित्र तुरंत एग्रेसिव हो गए। जो बात मैं कह रहा हूँ फैक्ट के साथ कह रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल हमारे भाजपा के मित्र से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। अरे सर, कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए, भाजपा के लोगों के लिए मेरे पास भी लंबी फेरिस्त है। जिन्होंने बयान दिया उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे आप। गठबंधन वठबंधन करने का इरादा तो नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही उसको कंडेम कर दिया और वह निंदनीय बयान है। हाँ। और मैंने ये भी कहा, जब वो खुद स्टैंड पर है तो वो क्या बताएंगे? उनको जो अखिलेश ने कहा, खाता ना भाई अखिलेश जो कहे वही सही। हाँ। तो उनसे क्या मैं पूछूं, आप बताइए। अब इसके तो कह रहे थे कि जब से राहुल गांधी को साइकिल पे बिठाया, उन्होंने साइकिल पंचर हो गई उनकी। वो तो कह रहे कि राहुल गांधी को जब से हमने बिठाया करियर में, साइकिल ही पंचर हो गई हमारी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रदेश में जो है कभी समाजवादी और भाजपा मिलकर सरकार चलाए थे, ये भी आप सच्चाई है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है जी। जी, शाही जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, शायद उनको नहीं पता है जनता दल के समय में जो है भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री पहली बार जो है मुलायम सिंह जी जो बने थे तो भाजपा के सहयोग से ही बने थे जी। जी जी, अब आ जाते हैं पॉइंट में। शाही जी थोड़ा सुन लीजिए, जो बात हो कायदे की हो ताकि दर्शकों के पास जो बात जाए। नहीं नहीं, एकदम कायदे की बात करिए भाई, एकदम कायदे की बात करिए जी। जी हाँ, तो जरा आप बता दीजिए शाही जी, आपके आपकी पार्टी के आदर्श पुरुष कौन से हैं? तीन नाम बता दीजिए, ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। तीन आदर्श पुरुष क्या पूछा आपने, एक बार सवाल दोहराइएगा। तीन आदर्श पुरुष जो आपके प्रेरणा के स्रोत हों, तीन आदर्श पुरुष आपके कौन हैं? आरएसएस से, हिंदू महासभा से, या कहीं से भी, आपके कौन से तीन आदर्श पुरुष हैं जो जिनको भाजपा मानती है? ये मुस्लिम तुष्टिकरण से घुमा के क्या बहस को डिरेल करने की कोशिश है क्या? मुस्लिम तुष्टिकरण का राज खोल रहे हैं, इसीलिए तो थोड़ा पूछ रहे हैं ना, बता दीजिए।
नहीं तो मैं भी अब तुष्टीकरण का कुछ बता देता हूँ। तो जो क्या बता दीजिए मैं उसका जवाब दे देता हूँ। त्रिपाठी जी को हम न्यूज़ एंकर बना देते हैं, आज त्रिपाठी जी बहस को संचालित करेंगे, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। देखिए सुनील जी बहस को त्रिपाठी जी दूसरे दिशा में घुमाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं कौन है? मुझे लगता है गठबंधन हो चुका है अंदर ही अंदर। त्रिपाठी जी कहीं अंदर ही अंदर गठबंधन तो नहीं हो गया? मामले को आप डिरेल बना रहे हैं, बताइए। सुनील जी मैं ये क्यों पूछ रहा था, मैं बता दे रहा हूँ। अब साहब जी थोड़ा सुन लीजिए, मैं पूछ सिर्फ इसलिए रहा था कि ये तीन नाम बताते जिसमें से दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर, इसीलिए मैंने तीन ही पूछा। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको ये आदर्श पुरुष बताते हैं, जिनकी फोटो ये लगाते हैं, वही आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ में कोलकाता पश्चिम, आज के पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे हैं। इस बात को आप बताना भूल जाते हैं आम जनता से। नहीं, बिल्कुल ये तथ्य है, ये तथ्य है। हाँ ये तथ्य है, लेकिन ये भी तथ्य है कि वो तो मुस्लिम लीग पुरानी थी। त्रिपाठी जी वर्तमान में केरल में किसके साथ आपका गठबंधन है, ये भी बता दीजिए। देखिए मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की बात हो रही है, दोनों बहुत अलग है। अच्छा दोनों अलग अलग है, वो आपकी वाली अच्छी है वो खराब थी। हाँ जी सुन लीजिए, अब वो पीपुल्स मुस्लिम लीग है और वो ऐसे तो बहुत सारे नाम है जी जी। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, जो बात मैं रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सुन लीजिए जी। हमने आजादी के पहले भी इस देश में चुनाव जब हुए, ये भी एक तथ्य है, तब हमने इसी मुस्लिम लीग के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और इसी हिंदू महासभा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा और दोनों के खिलाफ में जनता ने हमें मैंडेट दिया और जहां हम मैंडेट नहीं मिला, ये दोनों पार्टियां मिलकर, चाहे वो सिंध रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो और एक राज्य और था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तीन जगह पे ये सरकार बनाते हैं। तो आपका गठबंधन तो बहुत पुराना मुस्लिम लीग से है और उसी गठबंधन को निभाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर जाकर रोते हैं। तो ये आप ये अगर जितना, जैसे मैंने कहा कि मैं जितना जिन्ना को दोषी मानता हूँ उतना आरएसएस और बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ कि वही हिंदू सभा जनसंघ बनी, जनसंघ जो है आज भाजपा बनी, तो आप भी वही दोषी हैं। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी आपने सही कहा। 2005 के वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, 2005 में आडवाणी साहब पाकिस्तान गए थे, मजार पे भी चले गए, उन्होंने इसको सेकुलर भी बता दिया और नतीजा ये हुआ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज हुई थी, उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, आडवाणी जी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। मैं शाही जी के पास आऊंगा। शाही जी ये बात तो सच है, सिर्फ आडवाणी जी की बात क्यों करें हम? आडवाणी जी के अलावा आरएसएस के आपके पूर्व प्रमुख है केसी सुदर्शन साहब, उन्होंने भी जिन्ना की तारीफ की थी। अगर जसवंत सिंह की हम बात करें, उन्होंने किताब लिख दी थी, किताब में उन्होंने तारीफ कर दी। तो अखिलेश ही क्यों, मतलब आपके तरफ भी तो लोग हैं जो जिन्ना की मतलब तारीफ कर चुके हैं। हाँ ये बात अलग है कि आज उन्होंने जिन्ना की वो उन्होंने तारीफ कर दी थी कि सेकुलर पर्सन थे वो। सुनील जी देखिए मैं अभी शुरू करता हूँ समाजवादी पार्टी से, जहाँ के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनके अभी प्रवक्ता ने एकदम दावे के साथ कहा कि उनके अध्यक्ष ने जो बात कही है, आपने ओपनिंग रिमार्क में भी मैंने कहा कि उनके प्रवक्ता लोग हर जगह कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा। वो तुष्टीकरण की राजनीति है। अब मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस आगे निकले उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी, ये दोनों में होड़ लगी हुई है। इन लोगों से अभी हमारे संदीप भाई बैठे हुए हैं, इनको पता होगा, इन्हीं के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर मुस्लिम का सबसे पहला हक है। ओबीसी आरक्षण में से 4.5% जो है मुस्लिम को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो ये लोग भी बीच बीच में मुस्लिम लीग की बात करते हैं, केरल में मुस्लिम लीग के जो है साथ कौन आज हमको समझा रहे हैं। तो कहीं देखिए संदीप जी, राजनीति है, राजनीति में अगर आडवाणी जी वहां गए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान आप समर्थन में आपने सुना? नहीं सुना। उनको एक तरह से सब लोगों ने, ठीक है हमारे आज भी नेता है, हमारे संरक्षक हैं, लेकिन उनके बयान का समर्थन किसी ने नहीं किया था कि हम आकर कहे कि नहीं उन्होंने कह दिया तो कह दिया। तो इस तरीके की चीज, लेकिन आप लोगों ने तो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। और अभी हम लोग एक दिन पहले यहाँ बैठे हुए थे, हमने कहा शरिया कोर्ट हर जिले में लागू करने की बात हम लोग मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, नमाज पर चर्चा हो रही थी रविवार को, यही संदीप जी आप लोगों ने समर्थन किया था कि पूरे देश के हर जिले में मुस्लिम लीग ने कहा था कि शरिया कोर्ट लागू होना चाहिए, तो आपने कहा तो समर्थन करना चाहिए था। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ज्यादा करे या सपा ज्यादा करे, आज बहुत वहां है भारतीय जनता पार्टी
सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चल रही है, इसको तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है। हमने जो है शौचालय मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया है। उज्ज्वला हमने दोनों को दिया है, हमने मकान सबको दिया है। हम जो है कोई काम बिजली का कनेक्शन दिया है तो हमने सबको दिया है सौभाग्य योजना में। तो ऐसा नहीं है कि हम बांट रहे हैं, हमको तुष्टीकरण नहीं करनी है। तुष्टीकरण के जनक आप लोग है, आप लोग करते रहिए जी। तुष्टीकरण की होड़ मची आप कह रहे हैं कि कौन ज्यादा, हालांकि मैं मोहित साहब के पास जाना चाहूंगा, मोहित साहब के पास, मोहित साहब मैं इतिहासकार के पास जाऊंगा, उससे पहले मोहित साहब एक सवाल है आपसे मेरा। ओवैसी साहब ने कहा कि अखिलेश यादव साहब को थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, भारत का मुसलमान जो है वो कभी जिन्ना के साथ हो नहीं सकता। तो अब मेरा जो आपसे सवाल है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं है, क्योंकि आपने तो कह दिया कि जो अखिलेश साहब ने बोला वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, हम इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन बहैसियत एक भारत के मुसलमान के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिन्ना आपके लिए महान है? क्या जिन्ना को आप अपना आदर्श मानते हैं? ठीक है, आपने अभी MIM के बारे में और ओवैसी साहब के बारे में पूछा, पहले मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं। आपको भी पता है, न बताना चाहे वो अलग बात है, और सबको ये पता है कि हमारे ओवैसी साहब किसके लिए काम कर रहे हैं और वो कैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल में जाकर के जो मुंह की खाई है, उत्तर प्रदेश की जनता उनका इंतजार सिर्फ कर रही है, इसलिए कि उनकी राजनीति को हर आदमी ऐसा पर्दाफाश हो चुका है उनका, और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ तैयार बैठी हुई है। तो उनकी किसी भी बात का मैं बिल्कुल कतई समर्थन नहीं करता हूँ। वो जिस मुस्लिम की बात वो करते हैं मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। वो अपने जाति मफाद के बारे में बात करते हैं और मैं पूरे आवाम से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के फायदे की बात करता हूँ। रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी ने सिर्फ दो ही चीज अपनाई है। नंबर एक पे इसने झूठ बोल कर काम किया है अपना, और जितना भी इससे बन पड़ा है, इन्होंने सबका विकास सबका साथ, हमारे अभी बहुत अच्छे साथी अभी कह रहे थे बीजेपी के कि सबका साथ सबका विकास, विकास के नाम पर क्या हो रहा है, सबके साथ के नाम पर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में क्या हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, क्राइम कितना बढ़ चुका है, इसके बारे में हमारे बीजेपी के साथी नहीं बताना चाहेंगे। वो सिर्फ एक बात उनकी जबान से आती है कि सबका विकास सबका साथ। ये तो नारा आपने दिया ही है, लेकिन कुछ सच करके दिखाइए मेरे भाई। मैं तो एक मुस्लिम हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। जी जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर, आप मुस्लिम के नाते ही मैंने आपसे सवाल पूछा है, क्या आप जिन्ना को अपना हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं? बहैसियत भारत का मुसलमान क्या आपके लिए जिन्ना हीरो है? ये सवाल है सर मेरा आपसे। मैं अभी सपा के प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर रहा, सभी वर्ग आपसे संतुष्ट हूँ। इस तरह का कोई काम ना करो कि खाली चिल्लाओ अलग और करो अलग, उसका कोई मतलब होता नहीं है मेरे भाई। नहीं नहीं, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि ओवैसी साहब ने भी कहा है कि मुसलमान साथ में नहीं है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि क्या भारत का मुसलमान जिन्ना के साथ है? नहीं है, लेकिन मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ 100% में 100 में 100 है। नहीं नहीं, ये कोई देश का मुसलमान, ये अच्छी बात है सर, समाजवादी पार्टी इस देश की पार्टी है, अखिलेश यादव इस देश के नेता है, लेकिन जो व्यक्ति इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लाशें गिरी हो, मुसलमान भाइयों की भी लाशें गिरी, हिंदुओं की भी लाशें गिरी, वो क्या आपके लिए हीरो है? ये मेरा सवाल है आपसे। इस बड़े प्रश्न का उत्तर आप हमारे उन नेताओं से लीजिए जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। मैं शायद अपने आप को इस तरह का उत्तर देने में सक्षम नहीं, मैं निजी तौर पर जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, मैं पार्टी के तौर पर नहीं, मैं निजी तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहैसियत है भारत का मुसलमान क्या आपके लिए जिन्ना हीरो है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। मैं देखिए, इस बात में आपसे पुनः एक बार क्षमा मांगते हुए मैं अपने स्तर से इस बारे में कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी बात कहा है बिना सोचे समझे कोई बात वो करेंगे नहीं। चलिए चलिए, मतलब आपकी मौन स्वीकृति है और आप जिन्ना के साथ है, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मानवेंद्र कुमार जी बड़े लंबे वक्त से हमारे साथ है। मानवेंद्र जी, भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, अखिलेश साहब ने, ओवैसी साहब ने कहा है कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, पता नहीं कौन सा इतिहास उन्होंने पढ़ लिया है, वो हो सकता है हमने गलत इतिहास पढ़ लिया हो, तो सही इतिहास थोड़ी देश के जनता को आप ही जानकारी करा दीजिए इतिहासकार के नाते, क्या जिन्ना नायक है इस देश के लिए? मानवेंद्र जी, मानवेंद्र जी आपकी आवाज, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है, अभी थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी फिर आवाज चली गई आपकी, मैं दोबारा आपको जुड़वाने की कोशिश करता हूं। मैं राजपुंजी के पास जाना चाहूंगा। राज जी, देख सकते हैं हम कि न तो समाजवादी पार्टी के तौर पर वो उस बयान को कंडेम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी उस बयान में साथ है, और न बहैसियत इस देश के मुसलमान के नाते वो इसको कंडेम करना चाह रहे हैं।
किस तरह से इसको देखते हैं आप? क्या ये पूरी तरह से एक तुष्टीकरण का खेल है जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और या फिर इसको, इस बयान को किसी और एंगल से हम देख सकते हैं? देखिए हमारे सुनील जी, हमारे देश में बहुत कुछ सहा है, और आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में जिस प्रकार से ये जो पार्टीशन करवाया गया, तो पार्टीशन के समय मैं इसमें कसूरवार ठहराऊंगा, इसमें बिल्कुल ठीक कहा कि अगर अगर कोई भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये बोला कि जिन्ना को हीरो नहीं बनाया जाए ना उनको फ्रीडम फाइटर बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई फ्रीडम फाइटर वाला कोई काम नहीं किया, उन्होंने देश का बंटवारा किया, और आज उनका नाम अगर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, या आयरन जो हमारे मैन है सरदार पटेल जी के साथ जोड़ना, बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने देश को जोड़ने की कोशिश करी, सरदार पटेल जी ने रियासतों में जा जाके हर रियासत को बनाकर एक देश को इकट्ठा किया, और ये लोग, इन्होंने तो देश का बंटवारा करवाया, और इतने लोगों को वहां पे मरवाया, हिंदुओं को जो, और ऐसा नहीं कि हिंदू ही मरे, वहां पे मुसलमानों का भी इधर से उधर, उधर से इधर जो ट्रांसफर हुई, तो उसमें काफी एक दूसरे को नुकसान हुआ, क्योंकि इस प्रकार से हो अल्लाह पैदा कर दिया देश के अंदर, कैसे पता नहीं अलग, लेकिन हुआ क्या? आज भी मुस्लिम हमारे देश में, और जो नहीं जाना चाहता पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या लेके जाना चाहते थे वहां पर? और सिर्फ 11 महीने, 11 सितंबर 1948 को शायद उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 14 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और 11 महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो सोचो क्या होया और क्या पाया, उन्होंने पूरे देश का सर्वनाश कर दिया, चलिए इतने लोगों की बलि चढ़वा के उनको एक क्या सोचा कि ये इधर से मुस्लिम सारा उधर चला जाएगा, जो मुस्लिम जाना नहीं चाहता था? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये जी जी जी, ये तुष्टीकरण का जो खेल है ये इस बात से समझ में आ रहा है। मैं त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक सवाल के साथ मैं त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के इस बयान के बाद और जिस तरह से उनके प्रवक्ताओं ने मोर्चा खोल लिया है, आपको बड़ा टफ कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि आप भी उस वोट बैंक पर दावा करते हैं, ओवैसी साहब भी उस वोट बैंक पर आ गए हैं झपट्टा मारने, इधर से सपा की ओर से तो बड़ा बयान आ गया है, जिन्ना साहब को नायक बताया जा रहा, तो आपके लिए तो बड़ा टफ कंपटीशन हो गया उत्तर प्रदेश में। देखिए जैसे मैंने बताया पहले कि कांग्रेस धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है, अगर धर्म और जात की राजनीति करती होती तो उत्तर प्रदेश में 32 साल से 70 में दूर नहीं होती, सत्ता में होती पहले ही होती। मंडल, जब मंडल कमीशन का समय आया और एक कमंडल पर सवार हो गया, एक मंडल पर सवार हो गया, हम दोनों का विरोध करते रहे और उसी लड़ाई को आज भी हम लड़ रहे हैं। आप समझे कि आप जात मजहब राजनीति और धर्म की राजनीति से कोई भी लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है इस देश में, तो कांग्रेस लड़ रही है, और ये फैक्ट है, और यही वजह रही कि हम सत्ता से बाहर रहे, फिर भी हम आज भी उस लड़ाई को जारी रखे, सत्ता से कितनी भी दिन दूर रहे। दूसरी बात, आप समझिए कि हमको जिन्ना को मानने की जरूरत ही नहीं है, जिन्ना को तो भाजपा वाले मानते हैं, ये कहते हैं, इनका आईटी सेल कहता है भाजपा के लोगों का कि अगर जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने समझौता कर लिया होता और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दिया होता तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। ये भाजपा का आरटी सेल चलाता है, भाजपा के नेता बोलते हैं, भाषणों में बोलते हैं। तो आप समझिए कि इनकी निगाह में जिन्ना हीरो था, ये चाहते थे कि जिन्ना बन जाए, और अच्छा हमारे शाही जी कहेंगे कि बिल्कुल जिन्ना को बन जाना चाहिए था। जी जी, ये इनकी नजर में त्रिपाठी जी, त्रिपाठी आपने कहा कि जिन्ना आपके लिए हीरो नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जी जी, जिन्ना आपके लिए कभी हीरो नहीं हो सकते आपने कहा, लेकिन शायद आपको जानकारी हो ना हो मुझे पता नहीं, बिहार में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता को आपकी ओर से टिकट दिया गया था और उन्हें खुलेआम जिन्ना का समर्थन किया था, तो वो कैसे टिकट दे दिया उनको? आप तो जिन्ना के समर्थक हैं नहीं? जी जी, मैं जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु, मैं नॉलेज रखता हूँ। जी जी जी, अभी आपने जिस स्टूडेंट की बात की, उसने एक मूवमेंट अलीगढ़ में चलाया था, और वो अलीगढ़ मूवमेंट सिर्फ ये था जी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना जी, जिन्ना की एक फोटो लगी हुई जी, और उस फोटो इसी वजह से लगी हुई है कि उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं या उसमें पढ़ाई की है या उसको बनाने में उनकी भूमिका रही है, एक्स वाई जेड। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं, तो मैं उसको डिटेल में ना जाके सिर्फ ये जानना बताना चाहता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में उनकी भूमिका रही,
और उस यूनिवर्सिटी के लोग उनकी जो फोटो लगी हुई थी वो ऑलरेडी रखना चाह रहे थे और उस फोटो को हटाया जा रहा है। और एक मूवमेंट चला था उस फोटो के लिए कि उस फोटो को नहीं हटना चाहिए, वो लगा रहना चाहिए, तो वो लगी रह गई। तो ये सिर्फ ये बात थी, उन्होंने जिन्ना नहीं, उन्होंने कहा था कि जिन्ना हमारे हीरो है, आदर्श है हमारे। कई छात्र नेता अभी भी कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आप गलत बात कह रहे हैं, आप वीडियो दिखा लीजिए। अगर मैं इतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए कि जाहिर सी बात है कि मुझे पूरे मुद्दों की जानकारी नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जानकारी है, आपके पास जानकारी है, मैं समझ रहा हूँ त्रिपाठी जी। हमारे साथ मानवेंद्र सिंह जी है, बहुत लंबे, मानवेंद्र कुमार जी बहुत लंबे वक्त से उनके दिक्कत आ रही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही है वो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही है वो, बताएंगे जी। मानवेंद्र जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, इस टाइप का कंपैरिजन किसी भी मापदंड से अपनी जगह सही नहीं है। सरदार पटेल का जिन्ना से हम कंपैरिजन किसी भी ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते जी। और इसमें कोई यानी दो राय नहीं है कि जिन्ना जितने बड़े ब्लेन हो निकले इंडियन हिस्ट्री में, शायद इतना कोई बड़ा ब्लेन नहीं निकला। और राजकुंजी जो बात कह रहे हैं उसे हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि भाई उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसमें ये कहना चाहिए कि पटेल का कभी भी कोई रोल डिवीजन वाला नहीं रहा, किसी भी सेंस में डिवीजन वाला नहीं रहा। गांधी का रोल कभी डिवीजन वाला नहीं रहा। दूसरा कि ये एक बात है इस पूरे राजनीतिक उसमें, भाई अब जिन्ना का तो हाँ मानता हूँ जवाहरलाल नेहरू का भी कोई रोल इस टाइप का नहीं रहा डिवीजन वाला, लेकिन अब आप बताइए कि जिन्ना का नाम लेने की मुझे नहीं समझ में आती कि इस टाइम, या तो इतिहास की नॉलेज नहीं रखते हो आप, और इतिहास की जो लोग नॉलेज रखते हैं वो कभी जिन्ना का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा हमारे देश का बंटवारा और उसके लिए भाई जिन्ना ये समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि भाई वो पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल थे, लेकिन कम से कम 80-90% तक जिन्ना रेस्पॉन्सिबल थे जो उन्होंने सर्कमस्टांसेस को चेंज किया पूरी तरह। और जिन्ना कभी भी नाइक नहीं हो सकता। और यहां तक कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई मेरे, मैं एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, मेरे साथी हैं सब, भाई मुझे किसी मुस्लिम का आज तक कोई जिन्ना कोई एक तरीके से उसका मुस्लिम दोस्तों के भी कोई नाइक नहीं मिला, मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं मिला कोई मुस्लिम, मैं आपसे बहुत साफ क्लियर कह दूं, जो जिन्ना को ओपनली सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, वहां तस्वीर लगी हुई है साहब, उसको लेकर तो बहुत विवाद होते रहता है मानवेंद्र जी। देखिए एक बात बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंडिया में जिसको समझने के लिए बहुत जरूरी पड़ेगा, और मैं ये नहीं कह सकता मैं किसी चीज को सपोर्ट या वो नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि भाई आप एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जिसमें किसी को समझ में नहीं आता भाई इतिहास की नॉलेज कितने लोगों को है। आप देखिए इतिहास में जहां गैप है उसी को राजनीतिक यूज किया जा रहा है, और इतिहास में जहां गैप नहीं है भाई, देखिए इतिहास को लिखना कोई इजी नहीं है। इतिहास को अभी हमारे इस बंटवारे 1947 पर सबसे कम रिसर्चेज हुई हैं, और उसके बेसिस पर कोई बहुत कंक्लूसिव किसी चीज को बोल देते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। हमारी पूरी जिंदगी उसमें निकल गए, हम उस इतिहास के पूरे एक लेखन में ट्रेंड हुए और हम उस चीज को लगातार कर रहे हैं। दूसरा जिन्ना को, जहां तक आप कह रहे हैं कि जिन्ना भाई एक ये जिन्ना को फ्रीडम फाइटर भी आप डिक्लेयर करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एंटी क्लाइमैक्स होगा। मुझे नहीं लगता जिन्ना को आप किसी भी तरीके से यानी कहना चाहिए कहीं भी किसी भी हालात में प्रूव कर पाएंगे। दूसरा ये भी बहुत क्लियर बात है कि भाई उसमें बहुत बड़ा जो आजादी में जिन्ना का रोल था उसमें बहुत सारी ताकतें उसकी तरफ चली गई थी, कि हमारी कॉलोनियल पावर इस टाइप की नहीं थी कि उसने जिन्ना को हल्का सा सपोर्ट दिया। इसके बाद भी कहना चाहिए पटेल साहब, पटेल ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, गांधी ने, इन सब ने उस चीज को किस टाइप से कर्टेन किया, किस टाइप से रोका, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि इतिहास का एक बहुत बड़ा इवेंट है जी। और जिन्ना का इस टाइप से लेकर भाई देखिए जहां तक सबके पढ़ने का बात है, सब लोग बैरिस्टर बन के आते थे, लेकिन बैरिस्टर बनने के बाद किसका आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो गया? ऐसे तो जिन्ना नॉन कॉपरेशन खिलाफत है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिल्कुल नेशनलिस्ट लीडर थे, लेकिन उसके बाद उनका टर्न बिल्कुल इंडिया को डिवाइड करने की तरफ चला गया। और क्या हासिल हुआ? बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो कि उस टाइम पार्टीशन के बाद उधर नहीं गए। मानवेंद्र जी, आपने इतिहास पर नजर डाली, मोहित साहब के पास जाऊंगा, आप कह रहे कि इतिहास कौन कैसा पढ़ता है, वैसे अखिलेश साहब की पढ़ाई पर आप सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं और बहुत मतलब मोटी पढ़ाई करके वो आए हुए हैं, तो अखिलेश साहब की पढ़ाई पर तो सवाल नहीं उठा सकते, उन्होंने इतिहास पढ़ाई होगा। अब वो उन्होंने बयान दिया है, वो अगर कह रहे कि जिन्ना साहब नायक थे तो जरूर जिन्ना साहब में कुछ खास बात उन्होंने देखी होगी। मोहित साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चलिए आप मान लेते हैं कि जिन्ना साहब नायक है, अब आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में बड़ी भारी भरकम इसकी आपको एक आसान राह आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए कर दी, क्योंकि योगी साहब भी आज कह रहे कि जिन्नावादी आएंगे तो राम भक्तों पे वो गोली चलवाएंगे, आप तो समाजवादी है नहीं, आप जिन्नावादी हैं। आप एक बहुत ही अच्छे प्रखर जो है एंकर हैं,
मैं आपका सम्मान करते हुए जी आपको दो शब्दों में यह बात बताना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति इस समय चल रही है जी, वो इस तरह के मुद्दों को जबरदस्ती उठाकर और फूल पकड़ाकर बीजेपी कोई फायदा उठा नहीं पाएगी। बीजेपी की जो स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है और इसका उत्तर जनता देगी 2022 में इनके इस तरह के मुद्दों को किनारे रखते हुए। लखीमपुर लखीमपुर मुद्दे को उठाने घर से धरना प्रदर्शन कर लेते हैं ना, हाथरस के मामले में उसी सवाल धरना प्रदर्शन का नहीं है, सवाल यह है कि बीजेपी के अपने कृत्य ऐसे होते जा रहे हैं जिनको 2022 में जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है उसका जवाब देने के लिए। हमारे बीजेपी के भाई यहाँ बैठे हुए हैं, एक है अपने मोदिया मिट्टू बनने वाली बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि समय का इंतजार करें, जनता बहुत बड़ी चीज होती है, सब इनको जवाब दे देगी। इस तरह के मुद्दों को तूल पकड़ाकर इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं, कोई फायदा मिलने वाला। मैं पूछता हूँ त्रिपाठी जी, आप बोलिए, मैं शाही जी के पास फिर आ रहा हूँ। बोलिए त्रिपाठी जी, कुछ कह रहे हैं। देखिए अभी अभी हमारे जो सपा के मित्र है ये कह रहे हैं कि ये तुष्टिकरण की राजनीति या जो है सांप्रदायिक राजनीति करने का मौका तो आप दे रहे हो और पहले भी आप यही करते रहे हो। और जैसे मैंने बताया, मंडल और कमंडल और धर्म की राजनीति ये दोनों पार्टियां मिलकर करती रही हैं। एक सिक्के के दो पहलू, देखिए ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है, उसके लिए पहले ओबीसी शाह जी को लाया गया और जैसे उन्होंने ही बताया कि उनको पश्चिम बंगाल में रिजेक्ट कर दिया गया था और वही उत्तर प्रदेश में हुआ। जब उनको भाजपा को लगा कि प्रभाव कम हो रहा है तो उसने अपनी बी टीम को जगाया, भैया उठ जाओ नींद से, अब आपका काम आ गया है। और सीबीआई और ईडी की एक फाइल खोलकर अखिलेश जी को ऐसे ऐसे दिखाई, वो फाइल से डर के कांपे और पहुंच गए बयान देने और एक मौका दे दिया। आज भाजपा को सही सही चीज है कि खत्म हो गई है भाजपा जी, भाजपा के पास। लेकिन त्रिपाठी जी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीमें बना रखी है, ABCD, कांग्रेस कब बनाएगी सर? कांग्रेस कोई टीम नहीं है कांग्रेस के पास। और फिर आप सुनील जी, आपको नहीं लगता आपको भी टीमें बनानी चाहिए? सुनिए, आप बहुत बढ़िया है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन एक तकलीफ महाराज आपसे, थोड़ा बीच में जब बोल देते हैं तो कई चीजें भाजपा वालों की बच जाती है, इनको बचा लेते हैं आप, छूट जाती है जी। थोड़ा और सुन लीजिए, देखिए आज भाजपा उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है। आप जो है पूर्वांचल में चले जाइए, मैं अभी जो है प्रियंका जी की रैली थी, लगभग करीबन 8 जिलों में खुद मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं घूम के आया हूँ। वहां पर ब्राह्मण नाराज बैठा है अजय सिंह बिष्ट से, एकदम तैयारी में बैठा है अजय सिंह बिष्ट के खिलाफ और दमदारी से, मैं केलन जी के साथ कह रहा हूँ कि दमदारी से वो भाजपा के खिलाफ योगी जी के खिलाफ वोट करने वाला है। आप चले जाइए पश्चिम में, पश्चिम के हालात ये है कि इनको घुसने नहीं दे रहा है किसान, ये गांव में रैली नहीं कर पा रहे हैं, गांव में पंचायत नहीं करने पा रहे हैं। अब आ जाइए आप बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की स्थिति ये है कि वहाँ खाद के लिए लोग मर रहे हैं, पानी के लिए लोग मर रहे हैं, लोग लाइन में लगकर खाद के लिए। आज झांसी की लाइन आप देखिए, अजय सिंह हाँ अजय लल्लू जी ने ट्वीट किया है, लगभग 18 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुका है। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं त्रिपाठी साहब, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो बीजेपी साफ हो गई है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दावा है आपका, इसको हम संभाल के रखेंगे और इस पर जी 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 जरूर। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का आपने सर्वे कर लिया और घूम के आप आए हैं। शाही साहब आप तो खत्म हो गए उत्तर प्रदेश से, चुनाव में कुछ हाथ नहीं लगने वाला आपके। जी सुनील जी मैं जवाब दे लूं संदीप भाई, मैं जवाब दे लेता हूं। संदीप जी जवाब ले लीजिए। अरे कोई लंबा आरोप आपने लगाया, थोड़ा सुन लीजिए आप जी। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए संदीप भाई, सुन लीजिए। मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास, फिर आ रहा हूँ शाही जी से सुन लेते हैं। देखिए सुनील जी, कांग्रेस पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से आपने कितनी बार भी सवाल पूछा, उनके पास सिर्फ एक जवाब है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पढ़े लिखे हैं और मजबूरी में वो इतना ही बोल पा रहे हैं कि अब उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये भी उनके बयान से संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए ये इस मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ बैठकर ये संतुष्ट नहीं है, सिर्फ अपने अध्यक्ष की बात को मानने के लिए बैठे हैं यहाँ, तो मतलब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम में क्या असर होगा उसका। अब मैं आता हूँ कांग्रेस के, संदीप जी ने बहुत इतिहास भूगोल बताया, तीन में है ना तेरह में है। आज ब्राह्मण हमसे नाराज है, बढ़िया है भाई, उधर पूर्वांचल का ही ब्राह्मण ललिते जी छोड़ के चले गए ममता बनर्जी के पास, उधर पश्चिम मध्य से जो है जितिन जी आ गए हमारे पास, ब्राह्मण नाराज है। तो भाई आप लोग अपनी चीजों को देखिए, अपने तरफ भी देखिए, ब्राह्मण हमसे नाराज है, छोड़ के लोग आपको जा रहे हैं। आप है 5% 6% वोट की पार्टी, अब है 40% वोट की पार्टी,
और अब हम 50% करने जा रहे हैं, हमने अपना स्वच्छता अभियान बढ़ा दिया, हम अपने को 50% मान के चल रहे हैं। पुष्टिकरण में आप बांग्ला हाउस में सोनिया जी रोई, साबानों के लिए राजीव गांधी ने किया, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने राहुल गांधी पहुंचे, आप सब करते हैं, उसके बाद सारे लोग आपके पास हैं। भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। हाँ प्रियंका जी आई है, कुछ उत्साह है, अभी एक रैली हुई गोरखपुर में, गोरखपुर की रैली से जो लोग लौट रहे थे वहां के लोगों को जो एक पत्रकार भाई पूछ रहा था, मैं कल देख रहा था, वो लोग बता नहीं पा रहे थे कि भाई किससे किसका रैली सुनने आए थे। अरे सोनिया गांधी आई रैली है, हम राहुल गांधी खुद आई लानी, अखिलेशों आई लाला है, ये भाषा थी वहां, अखिलेश भी थे वहां रैली में, सोनिया गांधी भी थी, तो ऐसी तो ऐसे तो रैली हो रही है प्रियंका जी की जी। और भाजपा समाप्त हो रही है। अरे भाई दहशत में रहिए आप लोग, आप लोग अपना कुनबा 5-6% ही बचा ले जाएंगे, करते रहिए तुष्टिकरण, हम सबके लिए काम करेंगे, हमारा मुसलमान भाई भी है, हमारा हिंदू भाई भी, सिख भाई भी और ईसाई भाई भी है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता और हिंदुस्तान की 40 करोड़ जी। शाही जी, संदीप जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। संदीप जी एक सवाल के साथ, बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, अच्छी बात है आप लोग इस तरह की प्लानिंग करते, विचार करते, सोचते हैं, लेकिन ये जमीन पर क्यों नहीं उतर पाता सर? अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है उत्तर प्रदेश से, शाही साहब ने क्यों कहा, मैं भी वो 2-3 नाम और गिनवा सकता हूं, उसमें लगातार आपकी पार्टी के नेता जो है छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, टीएमसी की ओर भाग रहे हैं। टीएमसी के जो प्रशांत किशोर साहब है, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि उत्तर प्रदेश से आपको साफ करना है और टीएमसी में भर्ती करवाने हैं आपके सारे नेता। ललितेश त्रिपाठी चले गए, बाकी और भी कई नेताओं के नाम बताया जा रहा है कि लंबी लिस्ट है उनके पास, और एक एक करके आपके नेता उधर जा रहे हैं। अगर बीजेपी साफ हो रही तो आप अपने आप को बचा क्यों नहीं पा रहे सर? देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो अभी बात आपने कही कि कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, किसी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुछ माने रखता है या नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है। मतलब कुछ वैल्यूएशन होती है उसकी? जी जी। भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़कर चला जाता है, उसकी चर्चा ये नहीं करते हैं, उसकी बात ये नहीं करेंगे। अभी सिटिंग सरकार का विधायक छोड़कर चला गया, उसकी ये चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के घर में झांकने चले आएंगे, इसलिए कि इनको दूसरे के घर में झांकने का सब देखिए साहब, मुझे पता था तुरंत फुटकेंगे मुझे पता था। सुन लीजिए, आपकी बारी थी, मैं शांति सुन रहा था, सुनिए, जब आप छेड़े हैं तो सुन लीजिए। और तुष्टिकरण की आप बात करते हैं, हमने शनिवार को भी आपको आईना दिखाया था, आप देखना ही नहीं चाहते हैं, आप काली पोत कर रखना चाहते हैं तो भाई रखे रहिए। आप तुष्टिकरण की बात करते हैं, ऐसे समझिए कि मतलब दुल्हन के लिए वैलेंटाइन वाला गिफ्ट, अंगूठी लेकर जो है, गुलाब का फूल लेकर, सब कुछ लेकर बैठ रहे हैं, लेकिन दुल्हन कह रहे भैया हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। मतलब आप मुस्लिम के लिए कर तो बहुत कुछ रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो, बता भी रहे हो, लेकिन मुस्लिम फिर भी क्या आपके साथ नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपकी मानसिकता को जानता है। इस देश का मुस्लिम सेकुलर मुस्लिम है, उसने उस समय भी, जैसे मैंने बताया कि आजादी के पहले भी, जब आजादी के पहले चुनाव हुआ तो उसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें जहां थी, जहां मुस्लिम के एरिया ज्यादा थे, तब ये पाकिस्तान नहीं बचा था, वहां पर भी कांग्रेस को मुस्लिमों ने वोट दिया और मुस्लिम लीग को हराया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। लेकिन त्रिपाठी साहब बड़ी बात कर दिया आज आपने, आपने ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम कर रही है, आपके नेता कहते काम नहीं कर रही, आपने मुहर लगा दी कि मुसलमानों के लिए तो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए हाँ हाँ बिल्कुल काम करते हैं, मैंने आपका उस दिन शनिवार को भी कहा था कि काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं काम के अलावा ये बता दे रहे हैं, काम नहीं सम्मान चाहिए। सुन लीजिए थोड़ा बात, सुनील जी जैसे मैंने कहा कि आप बीच में थोड़ा इंटरप्ट करके, नहीं नहीं मैं सवाल पूछा है आपसे, जी बोलिए बोलिए मौका दे रहा हूँ, पूछ लिया करिए ना। हाँ आप समझिए, अब आप जैसे मैंने कहा कि बात आई मुस्लिम लीग की, आप मुस्लिम लीग के साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले भी सरकार में रहे आपने, उस समय जो है सरकार चलाई 3-3 राज्यों में मिलकर, और आप पूरे पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस को जिताया, वैसे ही हिंदू बाहुल्य एरिया में भी हिंदू महासभा को हरा कर कांग्रेस को इसी जनता ने जिताया और इसी जनता ने इतने दिन तक हमें शासन में रखा। अगर हम मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे होते, अगर हम कुछ और गलत कर रहे होते, तो और आजादी के आंदोलन में हमारी सहभागिता नहीं होती। तो आज देखिए हम किताबों से पढ़ रहे हैं,
या हम किसी के माध्यम से जान रहे हैं, उस समय हमारे पूर्वजों ने उस चीज को लाइव देखा था, आंखों से उन्होंने देखा था कि अंग्रेजों से कौन लड़ रहा है, जो है बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरीके से लाशों के जो अंबार लगे उस लाशों के अंबार के लिए जिन्ना और हिंदू महासभा आज की भाजपा दोनों जिम्मेदार है, इसलिए उसने दोनों को हराया, इस बात को भी हमें समझने की। चलिए चलिए त्रिपाठी, आपने कहा किताबों में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किताबें किसने लिखवाई, किसने लिखी, क्या लिखा है किताबों में, आपको भी सब पता है। आजादी के नायक वही नहीं थे सर जिनका किताबों में जिक्र है, हमारे लिए तो अकबर महान है, किताबों में महाराणा प्रताप का जिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं, चलिए चलिए त्रिपाठी मैं आऊंगा। त्रिपाठी यही दिक्कत है, देखिए आप क्या है कि दूसरा कोई करे, आपके नेता पाकिस्तान जाकर मोदी जी को हराने के लिए मदद मांग ले पाकिस्तान से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। राइट विंग इतिहासकार कहलाकर जी को तो आप जानते होंगे जी। नहीं नहीं, इतिहासकार राइट विंग लेफ्ट विंग कौन से इमिंग होते हैं इतिहासकार, ये खांचे में आप बांटते रहिए। चलिए मैं फाइनल कमेंट, सबसे ज्यादा समय 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 की कमी है, फाइनल कमेंट त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। राजपूंजी, क्या जिन्ना का इस वक्त जिन निकाल कर किसको फायदा आपको मिलने वाला है, किसको आप फायदा देखते हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते, क्या इस चुनाव में कुछ फायदा होगा जिन्ना का जिन बाहर आने से, और किसको होगा? देखिए, ये बैठे बिठाए इन्होंने मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इसका कोई मतलब नहीं था, इसका नाम का क्या फायदा था इस समय अखिलेश जी को इस प्रकार से बोलने का, और बैठे बिठाए जो है भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है, और ये बड़ा लंबे दूरी तक चलेगा, इधर प्रियंका गांधी इसका फायदा उठाएगी। मोहित साहब, मोहित साहब आपको लगता नहीं है, चलिए आप नहीं मान रहे, लेकिन अंत में आपको नहीं लगता है कि ये बेवजह का मुद्दा आपने विरोधी दलों को दे दिया और इसका नुकसान आपको होगा? मोहित साहब, हेलो जी जी जी। देखिए साहब, जिस मुद्दे की बात की जा रही है, मित्र आप देखिए बहुत ही जानकार हैं और बहुत ही परिपक्व हैं, आप हर चीज को समझते हैं, ये अलग बात है कि आप ना बोलना चाहें इस बारे में, आप एक एंकर हैं और अनुभवी एंकर हैं जी। इस तरह के मुद्दे से हमारी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसी और संबंध में बात करना नहीं चाहती है, उसको राय का पहाड़ बनाने की आदत पड़ चुकी है, चुनाव जब करीब आता है तो ऐसे ऐसे मुद्दे उखाड़ के वो सामने लाने का प्रयास करती है, मुद्दा नहीं है लेकिन जबरदस्ती हटाया जा सके और तमाम तरह से इस तरह की बातों को बढ़ावा देने का प्रयास। मोहित साहब, मेरे पास समय की कमी है, मैं त्रिपाठी के पास, त्रिपाठी अंतिम कमेंट जिन्ना का जिन किसको फायदा पहुंचाएगा, कांग्रेस को तो नुकसान ही होगा। पहली बात तो ये नहीं नहीं सुन लीजिए, ये तुलना ही पहली बात तो बहुत ही गलत है और ये निंदनीय है, इसको इसके लिए अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात रही बात फायदा पहुंचाने के लिए, तो फायदा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने ये बात बोली है, ईडी सीबीआई का एक फाइल खुली और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है इसका सांप्रदायिकता का सबसे ज्यादा अगर फायदा होता है किसी को तो भाजपा को, भाजपा को होता है। शाही साहब जिन्ना का जिन चुनाव तक चलता रहेगा, पूरे चुनाव में जिन्ना का नामकरण होता रहेगा। देखिए, जिसने कहा है ये बात उसने उसको माफी मांगना चाहिए, और माफी अगर उन्होंने नहीं मांगा है तो इसका मतलब कि वो कुछ सोच समझ कर चीजों पर आगे बढ़े हैं और वो तुष्टीकरण की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस सोचे कि मुसलमान का वोट कहाँ जा रहा है। चलिए 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 चलिए, समय की बहुत कमी है, मैं सबसे माफी चाहूंगा, तमाम मेहमानों से माफी चाहूंगा, समय इतना ही है। सवाल देश का है, मैं आज हमने बात की कि जिन्ना इस देश के लिए नायक कैसे हो सकता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी की ओर से बैठे प्रवक्ता, उन्होंने भी इस बात को माना कि इस पर वो अड़ी गए इस बयान पर, और उनके लिए जो अखिलेश जी ने कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। बहैसियत मुसलमान भी हमसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा तो ये बन गया है, किसको कितना फायदा मिलता है ये चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। सवाल देश का है मैं आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।